रहमान जी रखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा भट्ट। आज मैं आपको बेसन के लड्डू बताऊंगी। ये मोटे वाले मोती चूनी जो ब्रीक वाले हैं वो आए, तो चलते हैं आप वीडियो की तरफ। ठीक है, आसान और मज़ेदार खाना बनाना सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा भट्ट। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार बेसन की बर्फ़ी बताऊंगी वो कैसे बनाते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज। ये देखिए, बेसन है, एक प्याली बेसन है और एक प्याली चीनी है, और ये नारियल का कोप, उसके बाद ये दूध का गिलास है, ये देसी घी है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि बर्फ़ी किस तरह बनाई जाती है। पहले बेसन को, एक प्याली बेसन ली है, इसको छान लेंगे। छान कर फिर इसको यूज़ करना है, ऐसे नहीं। बेसन को छान कर फिर इस्तेमाल करना, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ होता है वो निकल आता है और वो साफ, फिर गुत्तियाँ नहीं पड़ती इसके अंदर ना। बेसन हमारा छान के अब साफ हो गया ना। अब मैंने ऊपर कढ़ाई रखी चूल्हे के ऊपर, कढ़ाई मेरी गर्म थी, मैं हल्की आंच में इसको रखा है। बेसन को पहले भूनना है, इसका कच्चापन जो होता है ना वो ख़त्म करना है हमने, हल्की आंच पे, बस ज़्यादा आंच पे नहीं, जल जाएगा ये। बस इसका कच्चापन जो है ना वो हमने ख़त्म करना है इसका। जब कच्चापन ख़त्म हो जाएगा फिर इसको हम आप बताते हैं। इसका कच्चापन जो है ना वो हमने ख़त्म करना है। ये बेसन की मिठाई बहुत ही मज़ेदार बनती है, शुगर के लिए और छोटों के लिए बहुत अच्छी। बाहर की मत खाएं, मिलावट वगैरह होती है, तो बेहतर यही कि आप घर में बना दो, बिल्कुल आसान रेसिपी है। ये देखो इतनी खुशबू आ रही है, इसका कलर बदल रहा है, बस इसका कच्चापन जो है ना वो हमने, अब इसकी खुशबू आ रही है। मैं इसके अंदर ये देसी घी ही है, देसी घी ऐड कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा देसी घी जो है ना वो ऐड करूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है, बस ज़्यादा नहीं पकाना। अब मैंने इसका देसी घी ऐड किया है, थोड़ा और ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास देसी नहीं है तो डालडा डाले, कोई मसला नहीं है, ऑयल से नहीं सही टेस्ट आता। डालडा डाले या देसी घी जो आपके पास है वो डाल दो, कोई मसला नहीं। एक हल्की आंच पे इसको पकाते जाना, ज़्यादा आंच पे नहीं, हल्की आंच। ये कुत्ती की छोड़ देगा, ये कुत्ती की छोड़ देगा। ये खुशबू आ रही है बेसन की, ये हल्की आंच, देखो कितना अच्छा कलर आ गया इसका, ये हल्की आंच हो रहा है। अब इसमें मैं एक गिलास दूध ऐड कर दूँगी, एक गिलास दूध है, ये नारियल, आप किसी नारियल भी बाजार से मिल जाता है, नारियल का जो कोपा होता है ना वो, उसको घर पे लाके ग्राइंड भी करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दूध है, एक गिलास दूध है और एक नारियल। नारियल और दूध आधा गिलास, आधा नारियल था और एक गिलास दूध था,
इसको हमने ग्राइंड कर लिया, एक दफ़ा फिर कर ले, ठीक तरह नहीं हुआ। चलिए हमारा दूध और नारियल ग्राइंड हो गया, ये देख अब इसके अंदर ऐड कर दें। इतनी खुशबू आ रही है, इतनी मज़े की ये मिठाई होती है ना। साथ ही चीनी कम या ज़्यादा आपकी मर्जी है, वो आप कर सकते हैं, चीनी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, मैंने कम ही डाली है। चीनी अपना पानी छोड़ देती है। बड़ी मज़े की बर्फी बनती है इसकी, घर में बच्चों को खिलाए पिलाए। बस इसको ऐसे पकाते जाए, इसको ऐसे से पकाते जाएंगे तो जिसका घी छोड़ देगा। अगर घी कम लगता है तो आप और ऐड कर सकते हैं, तो मैं और ऐड कर रही हूँ। ये बर्फी जो है ना बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़े की। तो बेसन का कलर देखिए कितना अच्छा आ गया होगा। ये बेसन की बर्फी है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी। बेटा आप कम या ज्यादा आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हल्की आंच पे इसको पकाने, तेज आंच में ये जल जाएगा, बिल्कुल बल्कि हल्की आंच पे। ये आप अपना घी छोड़ दें, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजे की बनती है। साथ सब्ज़ इलायची कुटी हुई, सब्ज़ इलायची का पाउडर कुटी हुई डाली है मैंने। ये प्यारी खुशबू आ रही, इतना अच्छा कलर देखे आप उसका। इसने अब अपना घी छोड़ दिया, बड़े आराम से बन गई है मिठाई। इतने आराम से बन गई है। अब जो ठंडा होगा तो चूल्हा ऑफ कर देती हूँ। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब जो ठंडा होगा तो उसी देर मैं इसको हम पर देसी घी से लगा के रसगुल्ले रसमलाई हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी। अब आगे रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान भी आने वाले हैं, तो भी बंदे के पास टाइम भी नहीं होता। अब देखो अब खुशी की बात है, रमज़ान आ रहा है तो अल्लाह पाक सबकी मुश्किल आसान करे। देखिए अब मैं इसके अंदर की देखें सब कोने पे अंदर बाई लगाते, अब इसके अंदर जाएगा सारा ही। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, और इतनी मज़े की ये मिठाई बनती है ना,
क्या बताऊं, आप ही अपने बच्चों को दो गर्मी बना के साफ सुथरी चीज बेसन से सूजी से भी बड़ी अच्छी चाहिए बच्चे। अब ये ठंडा होगा तो फ्रिज में रखूंगी। अब ये 5 घंटे के बाद फिर आपसे मिलूंगी, ये ठंडा होगा फिर मैं आपसे मिलूंगी, ठीक है। उठी ये ठंडा होता है फ्रिज में रखूंगी, फिर 4 घंटे के बाद आपसे मिलूंगी, ठीक है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे जो हलवाई की दुकान से मिलते हैं ना, बेसन के पेड़े लगाया हाथ में। जो बेसन के पेड़े भी बनाते हैं घर में बना के अपने बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बड़े मज़े की बनती थी, खुशबू आ गई ना तो मैं क्या बताऊँ। अब आगे रमज़ान भी आ रही है, मज़े मज़े की चीज़ें होंगी, पर टाइम देखो क्या होता है। चलिए हमारे लड्डू तैयार हो गए, बेसन के लड्डू, ये हमारे लड्डू तैयार हो गए, तो आप जाते दीजिए बुशरा भट्ट को, अल्लाह हाफिज़।